दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारे दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो आज हम लोग फुल एचडी में रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजिन पढ़ेंगे और रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो आज हमारे दोस्त फुल एचडी में अमोनिया डेरिवेटिव का तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा दोस्त रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजिन। योग्य हमारे दोस्त फिनाइल हाइड्राजिन। सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर हाइड्राजिन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाइड्राजिन का फॉर्मूला हो गया हमारा दोस्त NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 योग्य मेरा हाइड्राजिन। अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और फिनाइल ग्रुप को लगाएंगे। अब सर फिनाइल ग्रुप क्या होता है, देखिए दोस्त ये मेरा बेंजीन का रिंग है और जब बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो यहां पर बेंजीन के रिंग में एक खाली बॉन्ड आ जाता है। तो ये तो मेरा बेंजीन का रिंग है, लेकिन जब बेंजीन से हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालते तो बन जाता है फिनाइल। और फिनाइल का ही सिंबल होता है दोस्त पीएच। फिनाइल का सिंबल क्या होता है दोस्त पीएच। तो इस खाली बॉन्ड को इस नाइट्रोजन के पास जोड़ दिए, अब ये बन गया मेरा दोस्त फिनाइल हाइड्राजिन। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजिन के साथ करेंगे तो मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनाइल हाइड्राजोन आर फॉर्म्ड। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में जो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्त एल्डिहाइड का रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजिन के साथ करेंगे। सबसे पहले हम दोस्त कार्बोनिल ग्रुप बनाएं, योग्य मेरा कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप में दो ठो खाली बॉन्ड होता है कार्बन के पास, दे दिए। तो कार्बोनिल ग्रुप दोस्त दो प्रकार का, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं हेड और टेल, उसी तरह कार्बोनिल ग्रुप के दो कॉम्पोनेंट, एक एल्डिहाइड ग्रुप दूसरा कीटोन ग्रुप। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेंगे और दो एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेंगे, मतलब दो कार्बन के एल्डिहाइड। तो कार्बन के पास दो खाली बॉन्ड में अगर एक खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन लग जाता हो, ये बन गया मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO। दूसरा खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है, तो यहां पर लिख दिए एल्डिहाइड, तो ये बन गया हमारा दोस्त एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजिन के साथ करना, तो नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, यहां पर लिख दिए NH2। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और NH था, सिंगल बॉन्ड और NH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो यहाँ फिनाइल ग्रुप है, तो यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा दिए। और कैटलिस्ट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड लिए, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग दोस्त H+ के रूप में दिखाते हैं। अब देखिए दोस्त नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन को फैलाकर दिखा रहे। अब देखिए दोस्त नाइट्रोजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जब कभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। और देखिये दोस्त ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते तो वह पानी पानी हो जाता है, मतलब टूटके H+ देता है, ये टूटके H+ दे रहा है। और H+ का H+ हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो खासम खास एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता हो वह हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। तो अब देखिए दोस्त यहाँ पर दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दिल बनाते हुए वाटर बनाता है, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आपस में जुड़कर वाटर मॉलिक्यूल बना दिया।
अब यहाँ पर CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पर कार्बन था और कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को समेट दिए, ये बन गया मेरा CH। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड। फिर आगे बढ़े तो नाइट्रोजन मिला तो यहाँ पर लिख दिए नाइट्रोजन। फिर आगे बढ़े तो यहाँ मिला सिंगल बॉन्ड और NH, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और NH। यहाँ पर बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर हम लोग दोस्त बेंजीन का रिंग बना दिए। और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बना दिए। तो रिएजेंट है हमारा दोस्त NH2NH, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया फिनाइल, तो नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख दिए फिनाइल हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्त एसिटल्डिहाइड था तो यहाँ पर लिख दिए एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर फिनाइल था तो यहाँ पर लिख दिए फिनाइल। अब देखिए दोस्त जीन, जीन बन गया जोन और जोन बनेगा डॉन, तो फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन, यू गया फिनाइल हाइड्रोजोन। तो जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब हम दोस्त लैंग्वेज लिखेंगे, तो लैंग्वेज हमारा व्हेन एसिटल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद फिनाइल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम देन एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन्स आर फॉर्म्ड। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल कीटोन का लेंगे। ये सबसे पहले दोस्त कार्बोनिल ग्रुप बनाए, योग्य मेरा कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप में रहने वाले कार्बन के पास दो टो खाली बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन दो बॉन्ड बनाया है और दो टो इसके पास खाली बॉन्ड बच गया है। तो जब एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये बन जाता है मेरा दोस्त कीटोन, और दूसरा खाली बॉन्ड में भी हम मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं, तो यहां पर लिख दिए एसीटोन। और रिएजेंट ले रहे हैं दोस्त फिनाइल हाइड्रोजन, तो NH2 था तो यहां पर लिख दिए NH2। आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और NH था, यहां सिंगल बॉन्ड और NH लिख दिए। बेंजीन का रिंग था तो यहां पर बेंजीन का रिंग लिख दिए। और कैटलिस्ट के रूप में लिए दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड। अब नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन को फैलाकर दिखा दिए तो इसका नाम हो गया दोस्त फिनाइल हाइड्रोजन। यहां पर लिख दिए फिनाइल हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्त ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो वह पानी पानी हो जाता, मतलब वह टूट के H+ देता है, और सर H+ देने वाला एजेंट हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। वो खासम खास एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है वही हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अब देखिए दोस्त यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है, तो दो ठो हाइड्रोजन एक ठो ऑक्सीजन को दिल बनाते हुए बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना लेता है, तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब यहां पर CH3 था तो यहां पर लिख दिए CH3।
सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और कार्बन, कार्बन पर झूला हुआ है सी एस थ्री ग्रुप, तो कार्बन पर झूला दिए मिथाइल ग्रुप को। आगे बढ़े डबल बॉन्ड दिखा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। फिर आगे बढ़े तो नाइट्रोजन दिखा तो यहाँ पर नाइट्रोजन रख दिए। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड मिला तो यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखा दिए। फिर NH मिला यहाँ पर NH दिखा दिए, और NH पर बेंजीन का रिंग दिखा तो NH पर बेंजीन का रिंग दिखा दिए। अब देखिए दोस्त, एसीटोन है तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट साइड एसीटोन लिख दिए। अब यहां पर हाइड्राजीन है, क्या है दोस्त, फिनाइल हाइड्राजीन, तो जीन बदल जाता है जोन में, जीन किस बदल जाता है जोन में, और जोन बनेगा डोन, तो फिनाइल हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजोन में बदल जाता है। यहां पर लिख दिए दोस्त फिनाइल हाइड्राजोन, तो मेन प्रोडक्ट बन गया दोस्त एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। तो जब एसीटोन का रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब लोग दोस्त लैंग्वेज लिखेंगे, तो लैंग्वेज हमारा दोस्त, वेन एसीटोन इज रिएक्टेड विद फिनाइल हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम देन एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन इज फॉर्म्ड। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।